दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बोध कथा, जिसे सुनकर आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा भी मिलेगी और एक नया उत्साह भी मिलेगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत गए। तभी एक शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा था। चेहरे के तेज और मुखमंडल पर फैली शांति की छटा के कारण उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने भगवान बुद्ध के गुणों की परीक्षा लेने का विचार किया। शिकारी ने पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा, किंतु महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था तकलीफ केवल शरीर को हो सकता है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन रहे, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका, वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर जा लगा और उस जगह से खून की तेज धार बहने लगी। अब महात्मा बुद्ध को आभास होने लगा था कि उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आ गया और उसने पुनः एक पत्थर बड़ी जोर से महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून की धारा और अधिक वेग से बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकल पड़े। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता और गंभीरता के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुमने जब मुझे पत्थर मारा तो इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को बिल्कुल भी नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर पूछा, आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मन मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही है। मैं यह सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा भविष्य कष्टमय ना हो जाए। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? यही सब सोच करके मैं व्यथित हो रहा हूँ। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध तो क्षमाशील व्यक्ति थे ही, उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा दान दिया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव सत्कार्य करने का ही प्रयास करना चाहिए और कुकर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।